था कि जीत तो मेरी पक्की है, ऊपर वाले भगवान भी नहीं रोक सकते, तो क्या कुछ बदला उसमें? और नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ मैं, और भारतीय जनता पार्टी की जीत मेरी जीत है, और जब पूरा देश चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जीते तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और उसके बाद मैंने एक दिनकर जी की दो लाइनें थी वो पढ़ी थी, उसको आगे पीछे का सारा संदर्भ निकाल के गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, और वो इसलिए किया गया क्योंकि जो भी वो पत्रकार थे उनको नफरत है मोदी जी से, उनको नफरत है योगी जी से, उनको नफरत है निरहुआ से, तो उन्होंने ऐसा किया था। पर कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, भगवान उनको सलामत रखे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ जनता के भरोसे आया हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे यहीं से, इसी आजमगढ़ से, मैंने जब फिल्म बनाने की शुरुआत की थी तो यहीं से लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्यार दे करके, और 15 साल से भोजपुरी सिनेमा में मुझे बनाए रखा, और मैं लगातार भोजपुरी सिनेमा में काम करता रहा। अब जब मैं आया हूँ यहाँ सेवक बनने के लिए, अपने आजमगढ़ की सेवा करने के लिए, क्योंकि बगल में बनारस चमक रहा है, बगल में हमारा गोरखपुर चमक रहा है, आजमगढ़ की स्थिति देखकर दुख होता है मुझे भी, तो मैं आजमगढ़ की जनता से इसलिए भी समर्थन मांगने आया हूँ कि एक मौका हम सत्ता के साथ चलते हैं, यहाँ कमल खिलाते हैं, और 2 साल में अगर आजमगढ़ की वो सारी जरूरतें जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, अगर उसको हमने पूरा नहीं किया तो आप मुझे हटा दीजिएगा। आप दो बड़े नाम बता रहे हैं, बनारस के लिए आपने मोदी जी का नाम ले लिया और गोरखपुर के लिए आप योगी जी का नाम ले रहे हैं, उतने मतलब मैं कहूँ उतना मेहनत करके आप उतना आगे जाएंगे? मतलब आप मोदी जी और योगी जी का सीधे सीधे नाम लेके बता रहे हैं कि वो चमक रहा है, मतलब बनारस चमक रहा है और गोरखपुर चमक रहा है, तो आजमगढ़ बदल जाएगा इन 2 सालों में? आपको सिर्फ 2 साल का समय मिलेगा, फिर इसके बाद दूसरा चुनाव होगा, तो क्या लग रहा है इतने कम समय में आप इतना कुछ बदल देंगे आजमगढ़? जैसे कि जो मोदी जी हैं मैं उनका भी भक्त हूं, और जो योगी जी हैं मैं उनका भी भक्त हूं, और उन दोनों लोगों ने ही मुझे यहां भेजा है, तो यहां जब मुझे भेजे हैं तो मैं अगर आजमगढ़ में कमल खिलाऊंगा तो जाके अपने दोनों मतलब प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये तो कहूंगा ना कि आपने मुझे आजमगढ़ भेजा, आजमगढ़ ने कमल खिला दिया, अब आजमगढ़ की जरूरतें कैसे पूरी होगी इसकी आप चिंता कीजिए, ये तो मैं उनसे निवेदन करूंगा ही। एक सवाल और मेरे ध्यान में आ रहा है, इस समय बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो नौजवान है आर्मी के भर्ती वाले, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 4 साल के लिए हमें वर्दी मिलेगी, उसके बाद हमें रिटायर कर दिया जाएगा। आप सिर्फ 2 साल के लिए अगर सांसद बनते हैं, फिर आपकी लाइफ टाइम के लिए आपको पेंशन मिलेगी, आपको भत्ता मिलेगा, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका एकदम पेंशन ही कट जाएगा, भले वो 4 साल के लिए ही जॉब करते हैं, तो क्या ये मुद्दा आपको लग रहा है कि आप इस पर भी बात करेंगे? वो जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आजमगढ़ में भी हुआ अभी कल प्रोटेस्ट हो रहा था, 9 युवक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे लग रहा है? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे नौजवान साथी हैं वो कहीं भी इस तरह की घटना ना करें, तोड़फोड़ ना करें, ये देश आपका है, इस देश की संपत्ति आपकी है, इस देश के आप नागरिक हैं, इस देश के आप भविष्य हैं, अगर भारत सरकार ने आपके लिए कोई कानून बनाया है और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका भी पक्ष हम लोग सरकार के सामने रखेंगे और उस पर भी काम करेंगे, पर आप कहीं भी किसी